नमामि धन्वन्तरि वादि देवं सुरासुरै वन्दित पाद पद्मं लोके दधतं रुद्रघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजने कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपने क्लिनिकल ए आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को, मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके साथ भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और आप लोग जो प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, इस प्लेटफॉर्म का नाम है आयुष दर्पण प्लेटफॉर्म। ये इंडिया का नंबर वन डिजिटल आयुर्वेदिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग जुड़े हैं और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कंटिन्यू 5 साल से लॉकडाउन के पहले से यहाँ पे कंटिन्यू लेक्चर हो रहे हैं। रोज लेक्चर होते हैं और यहाँ से पढ़ के कितने ज्यादा, मतलब कितने हजारों लोगों को ना अपना प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने में बहुत प्रोत्साहन मिला है। और जो यहाँ लेक्चर होते हैं वो एक दिशा देता है, वो एक मतलब एक आइडिया देता है कि किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए और हमें अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे इम्प्रूव करना है और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम लोगों ने एमडी का भी क्लास किया, एंट्रेंस क्लास किया, तो बहुत सारे लोग, जो भी लोग पढ़े हैं वो सब पास हो गए, सभी अभी एमडी कर रहे हैं और इतना प्राउड फील करते हैं। जिन लोगों का कुछ कारणवश लाइफ में एकेडमिकली वो पीछे हो गए थे, शादी विवाह हो गया, बच्चे हो गए, वो पढ़ नहीं पाए लेकिन मन में तमन्ना थी कि हमें एक दिन पढ़ना है, तो वो सारे सपने पूरे हो रहे हैं। और प्रैक्टिस में तो सभी का अच्छा हो रहा है, ऐसा कोई भी वैद्य नहीं है जो यहाँ से जुड़ने के बाद दुखी है। सबका प्रैक्टिस बढ़िया हो गया है, एक नंबर हो गया है और सम्मान भी मिल रहा है, अर्थ भी मिल रहा है, यश भी मिल रहा है और सब लोग अच्छा ही बोलते हैं ये प्लेटफॉर्म के बारे में। अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम लोग 500 रुपये, बस मात्र 500 रुपये लेते हैं और जो यहाँ पे रेगुलर लेक्चर होते हैं, कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता इतना अच्छा हाई स्टैंडर्ड का, प्रैक्टिकल तो कोई नहीं सिखाता। यहाँ हम थेरोटिकल भी पढ़ाते हैं, संहिता बेस भी पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल भी पढ़ाते हैं। तो आप लोग जो हैं अपने आप को अच्छा महसूस करिए। अगर कोई चीज नहीं आता है तो बिल्कुल भी नहीं शर्माना चाहिए कि हमें ये चीज नहीं आता है, हम हैं वहां पे। मतलब आपका जो चीज अधूरा रह गया है पढ़ाई का, प्रैक्टिस का, वो चीज पूरा होने वाला है यहाँ पर। बस आप जुड़े रहिए और रोज रोज सीखते रहिए और अपना अनुभव यहाँ पे शेयर करते रहिए, तो फिर बहुत मजा आएगा। चलिए, अभय सोनावने सर, आपको एक केस बता रहे थे जो आप अभी डिस्कस करना चाहते हैं। डॉक्टर अभय सर, नासिक के डॉक्टर सर, आप पेशेंट देख रहे हैं क्या? ऐसा करेंगे तो कहां से मिलेगा? हाँ सर। तो आप वो केस कब बताएंगे? हाँ सर, वो उनका अभी 2018 में एक बार उनका क्यूरेटिंग हुआ था, वो बाद पूरे में केस अच्छे से उसको भी। बताइए ना, एज वगैरह सब बताइए ना, मुझे मालूम है लेकिन सबको बताइए ना। अच्छा, ये सानी शेख बोल के नाम की औरत है, उसका 91 का जन्म है।
और 34 ईयर्स रनिंग है अभी वो। उसका अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि उनको कभी वाइट डिस्चार्ज कभी ब्लीडिंग होता है, और उनको मास भी है पॉलीपिन ट्यूब में 5 सेंटीमीटर बाय 5.8 ऐसा मास भी है, और फाइब्रॉइड भी है। और उसको कंटिन्यू 3 साल से तकलीफ चालू है, तो उसमें व्हाइट डिस्चार्ज विद ब्लीडिंग होता है, मछली युक्त बास भी आता है। 2018 में इसी के कारण एक डॉक्टर ने उनका क्यूरेटिंग भी किया था। उस टाइम से ब्लीडिंग का भी प्रॉब्लम चालू है, और 21 से 2021 से यानी उनको तो महीने में 2 से 3 बार मेंसेस आता था, और वो कंटिन्यू ब्लीडिंग रहता था। उनको बाद में 12 बरस पहले यानी फर्स्ट प्रेगनेंसी में उनको चिकन पॉक्स भी हुआ था, और 3 बार टाइफाइड भी हुआ है 17 से 21 के बीच में। और फैमिली हिस्ट्री में चाचा को टीबी है, फादर को अस्थमा का तकलीफ है, माँ को भी अब ये यूटरस में कुछ तो भी गांठ थी, वो बोलती बस्ट हो गई इसी के ऑपरेशन के पहले ही, वो उसमें डेथ हुई ऐसा उसका कहना है। उसका दिनचर्या में ऐसा है, सुबह 4 से 5 बजे के बीच में उठती है, सुबह 6 बजे चाय लेती है, तो व्यायाम तो नहीं रहता है। सुबह 6 बजे स्नान करती है, घर का वातावरण तान तनाव और मच्छर वगैरह वैसा है। बाद में सुबह 7:30 बजे काम पे जाती है, काम वो भट्टी के बाजू में काम करती है कंपनी में, और वो मानसिक तनाव भी रहता है उस गर्म चीजों के बाद, उसका ये आता है भट्टी की वजह से। भूख लगती नहीं है, सुबह 10 बजे खाना खाती है 2 रोटी चाय के साथ, चपाती में नमक नहीं रहता ऐसा उसका कहना है। और 1 बजे फिर खाना खाती है, शाम को 10 या 11 बजे खाना खाती है, 12 बजे सोती है। दोपहर का 1 बजे का खाना है उसका, खाने में 10 मिनट लगता है। खाने में ज्यादा तो चिकन मछली सब्जी रोटी एक टाइम पे पांच पांच खाती है, और छोटा फुलके जैसा और चावल वगैरह ऐसा खाते है। मल प्रवृत्ति को 2 बार जाती है, वो भी टाइम पे नहीं जाती, कभी 10 बजे कभी 7 बजे कभी 8 बजे ऐसा है उसका जाने का टाइम है। उसमें थोड़ा चिपचिपापन रहता है, गैसेस भी कभी कभी होता है, दुर्गंधी नहीं आती बोलते वो। मूत्र प्रवृत्ति 3 में 5-6 बार जाती है, रात में 3 बार, और बाकी का उसको पेशाब को 1.5 बरस पहले बहुत जलन रहती थी, तो वो उन्होंने कुछ सिटाल जैसा सायरप लेके वो फिर एलोपैथी का ट्रीटमेंट लेके वो उसका कम हुआ है। श्वेत प्रवृत्ति बिल्कुल ही नहीं है उसको, कौन सा भी काम करो 12 ही महीने में कभी भी नहीं उतरी है उसको। रजा का ये जो उसका हिस्ट्री उम्र के 14 बरस में आई थी, वो नियमित थी पर फर्स्ट डे में बहुत दर्द करता था, और बाद में उनका जो है वैवाहिक जीवन में उनको 2 लड़कियां एक लड़का है, बाकी कुछ इशू नहीं है। उसका मर्द है 9 बरस पहले एक्सपायर हो चुका है, और वो जब उनका मर्द था तो वो दिवा स्वाप की उसकी हिस्ट्री है उसमें, और उनको बाकी का कुछ नहीं है। मानसिक तान तनाव है तो वो अपन मानस भाव में उसका जो है वो 5 ना अकड़ा आता है, पिछले 9 बरस से उसको वो तकलीफ है। बाद में स्वभाव में वो रागीट है, बाद में बहुत सोचने वाली है, और ये भी राग वो व्यक्त करती है दूसरे के ऊपर। आर्थिक परिस्थिति सोसो है, मन के विरुद्ध बिल्कुल तड़जोड़ नहीं करती है, और उसकी दूसरे से तुलना करने की भी आर्थिक और कौटुंबिक चलता है, कभी कभी सुपारी भी खाती है। वजन पहले से कम हुआ है, उसका सर दर्द करता है, चक्कर जैसा होता है, झुंझुनाहट होती है, आंख में अभी अभी कम दिखने लगा है, बाल भी झड़ते हैं, और वो रूसी बोलते हैं ना डेंड्रॉप वो होता है, और लेफ्ट ईयर में उसको डिस्चार्ज रहता है पिछले 3 बरस से, बाकी तो उसका कुछ नहीं है। अभी जो स्मॉल हिस्ट्री में देखे तो सफेद पानी उसका पहले बरस है यानी 14 बरस के बाद जो मेंसेस आए
उस टाइम पे सफेद जाता था, अभी भी अभी इरेगुलर मेंसेस है, और बाकी का अभी तो पेनफुल रहता है, बाकी कुछ नहीं। कभी कभी बहुत ज्यादा जाता है, तो उसके लिए उसने बहुत बार 4-5 साल से ट्रीटमेंट ले रही थी, पर कुछ नहीं है। और उसके हाथ पैर में भी झुनझुनाहट ज्यादा रहती है, और बाकी कुछ तकलीफ नहीं। और ये जो सोल रहता है उधर भी पेनफुल रहता है, बाद में जॉइंट्स पेन भी कभी कभी दर्द करते हैं उसके हाथ के और पैर के। और उसको डर रहता है कि हमेशा ये जो अभी व्याधि हुई उसके वजह से अपना कम ज्यादा नहीं हो, इसका काम करने में उसको उत्साह रहता है। कभी कभी भास होता है कि अपना ऐसा हो जाएगा। जिगुआ साम है, नख भी, नाखून भी साम है, नेत्र भी साम है, अपान कक्ष में स्पर्शरत्व है अभी, क्योंकि वो उधर एब्डोमिनल पेन कंटिन्यू चलता है, इतना हिस्ट्री टेकिंग किया है उसका। अभी मेरे को 5 क्वेश्चन पूछना है आपसे। पहला क्वेश्चन ये है कि आपने जो हेतु निकाले, बहुत अच्छा निकाला आपने, केस टेकिंग किया, इन हेतु वो से क्या संप्राप्ति बना और क्या व्याधि तक गया, कैसे हुआ? तो सब वात का ही दृष्टि है ना सर, वात की वजह से सब हुआ है। और इरेगुलर खाना पीना था, तो और उससे क्या पहला हुआ? दिवा स्वाप भी था, और उसका मर्द जाने के बाद उसके ऊपर प्रेशराइज हो गया था, उसके बीच में उसके बच्चे भी तीनों बीमार बन पड़े थे, चिकनगुनिया जैसा कुछ हुआ था उसमें, उसने आर्थिक लॉस भी बहुत खाया था। वो उसका पिछले 9 बरस से स्ट्रेसफुल लाइफ ही है अभी तक। हाँ, तो मतलब वायु के साथ अनुबंध दोष क्या है और कौन से दोष क्या हुआ, संप्राप्ति कैसे घटित हुआ? उसमें अभी मांस की मेद की भी तुष्टि हुई है, और यूट्राइन फाइब्रॉइड है, तो अस्थि मज्जा वह भी उधर ही दूषित हुआ है उसका। ये तो धातु में हो गया, दोष कौन से बिगड़े हैं वायु के साथ? कौन कफ से दोष बिगड़े हैं, पित्त है कि कफ है, क्या दूषित हुए? हाँ, की दुष्टि हुई ना सर, वात कफ की। एक चीज। दूसरा, आपको ग्रहणी दृष्टि दिखा क्या उनके शरीर में? ग्रहणी ग्रहणी दृष्टि होगी ना सर, क्योंकि ये तो उनका खाने का टाइमिंग नहीं है, 3 बार दिन में खाती है, रात का खाना गया कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे भी खाती है, सोती 12 बजे के बाद है। ठीक है। तीसरा अभी क्वेश्चन, पिछले 9 बरस का ये उसका शेड्यूल है। जी तीसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब आपका डायग्नोसिस क्या है, कौन सा योनि व्यापत है या रजो दृष्टि है, क्या है आपका निदान क्या है? मेरा निदान वो अपन क्या बोलते हैं उसमें, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा मतलब वो। उपप्लुता योनि व्यापत है, कफजा श्लेष्मला योनि व्यापत है, कफज रजो दृष्टि है, क्या कपज रजो दृष्टि है? है ना, वो मछली जैसा बास भी आता है वो, उसी की वजह से। ठीक है। और आपने क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सोचा है अभी मैंने तो सिम्टोमेटिकली? पहले दीपन पाचन अनुलोमन करने का सोचा है, उसके पास रस पाचक रक्त पाचक दे, पहला मेंसेस करे, काम करे, फिर उसके साथ अपना मैंने कांचनार और ये बाकी आरोग्यवर्धनी कांचनार कुकुटनखी गुगुल ऐसा सोचा था, और उसके साथ दशमूल अरिष्ट के साथ एक तो जीरका अरिष्ट नहीं तो देवदार अरिष्ट चालू करने का सोचा था, जी, पहला और मेंसेस का। पंचकर्म, पंचकर्म में क्या देना चाहते हैं? मैं बोला अग्नि बनने के बाद मैं उनको जो ब्लीडिंग और डिस्चार्ज चल रहा है, तो उसके लिए मैंने आज सोचा था उसको चंदन बनालाक्षा तेल का तो एक डोज दे दूं, तो बाद अभी में देने में क्या वो प्रॉब्लम है, अभी देने में क्या प्रॉब्लम है? आई नहीं ना अभी, उसने क्या अच्छा हरी मिर्ची खाई तो उसने उल्टी कर दी उधर, वो आई नहीं, उसको 6 बजे बुलाया था मैंने, सब रेडी करके रखा, वो आई नहीं, कल सुबह आ रही है अभी। ठीक है। तो आप एक तो ये करिए, और दूसरा आप ना मतलब उनका आर्तव स्त्रोतस पे जैसे अगर सोचें, केवल आर्तव स्त्रोतस को शुद्ध करना है हमें, तो और क्या हाँ क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, और क्या कर सकते हैं बाइट डिस्चार्ज पे, क्या कर सकते हैं बही परिमार्जन, अभ्यंतर परिमार्जन में क्या कर सकते हैं? मैं तो रस पाचक रक्त पाचक पे मतलब अभी बहुत से इंटरनल पीछे दवाइयों से वगैरह स्तन रख पाचन के दिया लिए, था, बही परिमार्जन के लिए, मतलब अन योनि, पाचक के लिए सर मैं अभी उनको तो आम पाचक गोटी दूंगा, 5 5 गोली 3 टाइम मेरी ये जो तो है वो। दीपन पाचन के लिए हो गया, मैं बही परिमार्जन चिकित्सा बोल रहा हूँ। वो तो आपका सही है, वो 100% सही है,
उसके अलावा और क्या करेंगे? वो फिर मैं उनका HBB कम है तो रात रात तक लो वगैरह चालू करूंगा ये हाँ, तो। ये तो अभ्यंतर दवाई हो गया। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए शशि मैम से सुनते हैं। शशि मैम आप क्या बोलेंगी? जो आप लिखी हैं वो सही है? शशि मैम आप बताइए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। एक्चुअल में कोई भी डिस्चार्ज वगैरह के हेतु जब होते हैं, चाहे PID हो चाहे डिस्चार्ज वगैरह, उन सारे केसेस में आप सबसे बेस्ट तरीका है यूनिधान कराइए। कुछ नहीं समझ में आता है या पेशेंट मतलब ऐसी है कि अफोर्डेबिलिटी कुछ भी नहीं है, तो नीम के पानी से भी यूनिधान करा सकते हैं। अदरवाइज प्रॉपर एनिमा पॉट से कैथेटर लगा करके वॉश कराइए, अच्छे प्रोसीजर के थ्रू जैसे किया जाता है यूनिधान, तो करीब 4 से 5 लीटर उसमें काढ़ा बन जाता है। आप उस तरीके से, तो उसमें आप पंचवल्कल भी यूज कर सकते हो, आप त्रिफला भी यूज कर सकते हो, आप फिटकरी भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे मतलब जैसा भी है। अगर एसिड है कि बेसिक मीडियम है, देखने से लोग टेस्ट करा लेते हैं, कुछ एहसास हो जाता है उसी हिसाब से सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आपको लगता है कफज दुष्टि ज्यादा है, तो उस केस में आप टंकण भस्म वगैरह उसमें साथ में ऐड करके उससे धावन करा सकते हैं। कुछ नहीं है तो आपके पास नीम वाटर बेस्ट है, अदरवाइज त्रिफला वाटर भी है, पंचवल्कल भी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके आसपास पड़ी हुई हैं नहीं समझ में आ रहा, तो गिलोय के भी पत्ते हैं, जामुन के हैं, कषाय रस वाले भी दे सकते हैं, वो थोड़े से स्तंभक होते हैं, शीतबेर होते हैं। जैसे मेरे एक पेशेंट थे, उनको जलन था, तो मैंने मैक्सिमम इस तरह की चीजें यूज करी थी, रिजल्ट अच्छे आते हैं। योनि धावन करा लो। योनि धावन के बाद में जो योनि पिचू है वो, उसमें अधिकतर महातिक्त घृत वगैरह अगर आप यूज करोगे तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का तरह काम करता है। मैंने यहाँ तक ही देखा है, अगर इंटरनल जैसे फंगल इन्फेक्शन की तरह लग रहा है तो 1 या 2 दिन सिर्फ लोकल अप्लीकेशन करा दो, तुरंत आराम आ जाता है। अच्छा खासा है, तो उसमें डेली पेशेंट रात में उसको लगाए, जैसे और कैंडिड वगैरह क्रीम वगैरह लोग लगाते थे ना, तो उस तरीके से आप महातिक्त घृत का लोकल अप्लीकेशन कराइए, और सुबह तो एटलीस्ट धावन होगा ही होगा, और धावन के बाद में करा सकते हैं, अदरवाइज 1 वीक तक लगातार सिर्फ धावन करा दीजिए, और उसके बाद में पीछू वगैरह धारण कराइए। इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है तो उस केस में धूपन कराइए। धूपन का फिर बहुत बढ़िया रिजल्ट होता है, क्योंकि सूक्ष्म स्रोतोगामी होता है, धुआं हर जगह जा सकता है, सिंपल सी लैंग्वेज है। तो आप उस तरह के द्रव्य चूज कर सकते हो, जैसे इसमें सरसों राई वगैरह है, जो भी वो भी कफ अग्नि द्रव्यों में ही आती है। लहसुन आप यूज कर सकते हो, लहसुन मतलब लहसुन का जो छिलका होता है, मैंने तो एक बार स्टोर किया था भाई इन सब सारे कामों के लिए। अदरवाइज कुछ नहीं समझा तो नीम की पत्तियां जो है, सूखी पत्तियां, उन्हीं को जला करके धूपन दे सकते हो। और धूपन के लिए सर कुछ नहीं, जो बड़ी वाली आरती नहीं आती है जिसमें आरती लोग करते हैं भगवान जी का, जिसमें मेटल का हैंडल ऐसा है उस पर, मतलब वुडन हैंडल होता है, तो वो बड़ा सा आता है, 400-500 रुपए का आता है, आप वो खरीद सकते हो। अदरवाइज प्रॉपर धूपन यंत्र भी रख सकते हैं, वरना तो सिंपल इसी तरीके से वो एक चेयर पर बैठ गई, चेयर ऐसी होगी नीचे से उसमें आ सके, तो वैसे आप धूपन करा दीजिए, तो धूपन से फिर बहुत जल्दी आ जाता है। और साथ में चूंकि चिंतन की हिस्ट्री है, काफी ज्यादा टेंशन है भाई, 9 साल से वो चीज था, तो उस केस में फिर आप ये करा सकते हैं कि रसपचरत पाचक तो होगा ही, मनोवा स्रोतस की दुष्टि भी बढ़िया से होती है, और आपका जो आर्तो है वो सारा, मतलब आपका मतलब आर्तो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से मेनली रस धातु की दुष्टि का ज्यादा होता है, तो इसमें रस धातु की दुष्टि का विचार करिए। और साथ में रस धातु जब कहीं पर भी दुष्ट होती है तो हार्ट को भी इफेक्ट करती ही करती है, तो मनोवा पर या हार्ट के लिए कुछ भी अच्छा सा दे सकते हैं जो आपको बहुत बढ़िया लगा, या अम्ल रस की चीजें दे सकते हैं। अम्ल रस में कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, जैसे अभी तो आम का मौसम गया था, वो भी आपके हृदय द्रव्यों में चरक ने काउंट किया है, अर्जुन को तो चरक ने जी ने नहीं काउंट किया है, वो तो उधर तो प्रश्न में लगाया है। और अगर वहाँ ईचिंग हो रही है तो ईचिंग के केस में भी महापित्त घृत आपको बहुत बढ़िया हो करेगा। और हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉटन के कपड़े पहनने, थोड़े से खुले कपड़े पहनने, अगर वहाँ धूप लग सकती है तो है, और देख लीजिए नहीं पेशेंट बोल सकते हैं कि अकेले कमरे में है तो मतलब थोड़ा सा हवा पानी वहां लग जाए तो उससे भी जल्दी ठीक होता है। अधिकतर वहां नमी बनी रहती है, बहुत सारे लोगों का हाइजीन जो होता है पर्सनल हाइजीन के मामले में गलतियां बहुत सारी होती हैं, चाहे क्लोथिंग को लेकर होता है, टाइट कपड़े पहने, जींस पहने या सिंथेटिक कपड़े पहने, ये उनकी वजह से मुस्लिम होता है पेशेंट कुछ है, लोग ये मुस्लिम पेशेंट है। हाँ, तो वो सर वो लोग तो और बुरका उरका पहनते हैं, तो वो तो टोटल सिंथेटिक होता है उनका, तो वैसे ही हवा पानी पास नहीं होता नहीं, बुर्का नहीं पहनती हूँ, ये नहीं, बिहार लेकिन के लोग उनमें नहीं ये है पहनते। कि वो हर शुक्रवार को ही नहाते, जुम्मा के जुम्मा माय नहाते। गॉड, नहीं सर, हाइजीन तो बहुत मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि हाइजीन मेंटेन करे बगैर ऐसे पेशेंट्स को आप ठीक नहीं कर सकते हो, ये तो सिंपल सा है, आप इसमें बहुत उनसे सर ये ज्यादा पूछिए, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज है ना, PID है, तो क्यों है ये डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग अगर हो रहा है, डिसफंक्शनल DUB, तो ये क्यों हो रहा है, वो भी आपको हेतु निकालना है। तो आप अगर PV में ऐसे दूर से देखेंगे ना, पर वजाइनल हाँ
नेबोथियन ग्लैंड का सिस्ट दिख रहा है क्या, या फिर वहां पे दाने दाने आए क्या? व्हाइट डिस्चार्ज कैसा है, कर्डी है, थ्रेड है, क्या है, वो भी देखना है। दूसरा अभी बात, जैसे सर हाँ मेरे पास एक पेशेंट का भेजा था फोटो किसी ने, तो सर वो बच्ची तो 17 साल की थी, उसका डिस्चार्ज तो ऐसा था जैसे ग्लू होता है, तो इतना मतलब कंसिस्टेंसी थिक थी उसकी, और उस तरीके से बना हुआ था, उसकी फोटो देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये मतलब डिस्चार्ज की फोटो है। तो आजकल हो रहा है, वो तो बच्ची है, ये तो लेडीज है, इनके अंदर तो अपना स्ट्रेस है, उस अब बच्ची इनको के भी ये जाना पूछे पड़ता है। नहाती कैसे हैं। मुस्लिम लोगों में ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा रहता है, हर जुम्मा के जुम्मा नहाते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। और सर रहन गर्मी सहन वाले कैसे मौसम में हैं, चलता कैसे है? नहीं वो लोग नहाते नहीं है, वो जुम्मा को ही नहा के फिर नमाज पढ़ते हैं, आप देखिएगा ये एक कॉज रहता है। सर इसमें जो भट्टी के पास काम कर रही है उसके हिसाब से इसमें पित्त का डोमिनेंस होना चाहिए बजाय कप के, क्योंकि हाँ सर ये भी है, सही है, तो मैं पसीना भी भी नहीं आ रहा है उसके, और उसके हिसाब से मेरे हिसाब से उसमें पित्त का प्रकोप होना चाहिए। पित्त का प्रकोप है, आप वो मिर्ची का ही तो उल्टी हो गया, ये भी तो है, पित्त का हाँ तो प्रकोप उन्होंने भी है, लेकिन कप का उसका बता रहे हैं, मेरे हिसाब से उसमें पित्त का होना चाहिए, और पित्त का ही उनका जो सीक्रेशन पर है उसका भी लक्षण ही उसी प्रकार के होंगे पित्त की। हाँ। और दूसरा बात है कि वो मेंसेस के टाइम पे पैड यूज करती हैं कि कपड़ा यूज करती हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कपड़ा जो पहनती हैं, बुरखा या जो भी ड्रेस पहनती है, वो धुला हुआ पहनती है कि वही वही रिपीट करती है। अनहाइजीनिक क्या चीज है, जहां पे वॉशरूम को जाती हैं वो पब्लिक टॉयलेट यूज करती हैं कि अपना घर का है, वो भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि मुंबई नासिक में जहाँ ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं ना, वहाँ एक ही वॉशरूम रहता है, तो वो सबसे खतरनाक होता है इन्फेक्शन का कारण, वो देखना है। यूटीआई का भी हिस्ट्री है क्या, वो देखना है। और दूसरा है फंगल यूटीआई का इन्फेक्शन, हिस्ट्री है ना सर, यूटीआई का हिस्ट्री है ना उसको। तो 100% पब्लिक टॉयलेट यूज करती हैं वो। हाँ वो कॉमन ही है, थोड़ा सा ये स्लम एरिया जैसे ही रहते हैं, वहां रहते हैं। हाँ देखिए एग्जैक्टली वही। और उनको ये पूछे कि मेंसेस इरेगुलर आया तो क्या मेडिसिन लिया उन्होंने, एलोपैथी वो सब का। एलोपैथी का ही मेडिसिन चालू था, वो फर्स्ट टाइम मेरा एक पेशेंट है वो आता है, तो वो लेके आए था उनको, इसीलिए। वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खिलाते हैं, बहुत सारा हार्मोन्स खिलाते हैं डॉक्टर, उसका हाँ साइड वो इफेक्ट। इंजेक्टेबल ही देते थे उसको कुछ तो भी, प्रोजेक्ट और अभी प्रोजेक्ट भी दिया है तो हार्मोनल ट्रीटमेंट ही है। अभी उसका पर्ची देखा था मैंने, और डॉक्टर ने अभी ऑपरेट के लिए बोला था, उसको सीवियर एब्डोमिनल पेन रहता है उधर, इसीलिए वो सर वो क्या मतलब क्या इलाज कर रहे हैं, क्या बीमारी है, और ऑपरेट करके फिर बाद में तो कितना उसको तकलीफ होगा, आशा ही तो निकाल मांस देंगे। निकालने के बोल रहे हैं ना, ओवर इन पूरा लेफ्ट साइड का ओवर ही, और वो मांस पॉलीपिन ट्यूब से कट करके सब निकालने का सोच रहे हैं। उससे कितना हाल होगा वो लेडी का, सोचे ना उसका शरीर कितना वो नुकसान वो हो। पहले ही कमजोर है बहुत, अभी तो उनका एचबी लेवल भी देखिए सर क्या है, एचबी लेवल देखा सर 9.6 है। सोचिए ना कितना कम है, वो कैसे झेल रही है अपने ये बीमारी को। बहुत पेनफुल था, मेरे को बोली पेन तो पेन किलर इंजेक्शन दे दो, मैं बोला तुम सुबह शाम को आ जाओ, तुमको ये बस्ती देता हूँ तो फिर उससे रिलीफ हो जाएगा कुछ भी। वो आई नहीं, मिर्ची खा के बैठी उधर, अभी क्या करें। हाँ तो ये खाना पीना प्रज्ञा अपराध है ना उसको, प्रज्ञा अपराध। तो आप ये सब देखिए सर। और दूसरा बताए कि आप चिकित्सा में गर्भाशय शोधन वाली चिकित्सा दे रहे हैं, देवदार वरिष्ठ, कार्पासमलासा और दशमलारिष्ट, उसके हाँ साथ में आप थोड़ा लोहकल्प, जब दीपन पाचन अच्छा हो जाए तो दाढ़ीमाधिघृत वगैरह दे के लोहकल्प दीजिए, ताप्य दिलो, नवाइस लो, रक्तवर्धक, मंडूर भस्म, पुनर्नवा मंडूर, ऐसे दीजिए, तो थोड़ा ताकत बढ़ाइए उसको, ताकत बढ़ जाएगा विरेचन तब आप उसको वमन विरेचन कराइए सर, पॉसिबल हो तो। ले सकती, वो मान मुश्किल लगता है, घी हाँ वो खाती नहीं ये लोग जल्दी। हाँ क्योंकि ग्रहणी दुष्टि है ना, इतना कफ का प्रकोप है, यूट्रस निकाल देंगे लेकिन ग्रहणी दुष्टि की वजह से तो उसको बाद में तकलीफ ही तकलीफ है। पर उसको पेन रिलीफ के लिए क्या दूं फिर वो उसके साथ? चंदन मेला लक्षादी तेल का मात्र, पेन है मतलब वायु है, हाँ वो तो है। तो पेन रिलीफ तभी होगा जब बस्ती देंगे, तो अपान वायु की दुष्टि है, तो वेग विधारण का हिस्ट्री है क्या या वेग उद्धीरण का हिस्ट्री है क्या, वो पूछिए। नहीं है वो तो पूछा मैंने, हाँ तो फिर रात्रि जागरण है क्या या फिर, रात्रि जाग रहे हैं ना, 11-12 बजे खाना खाके वो 12 बजे सोती है ना, तो ये भी तो हो गया ना बात का प्रकोप का। और पहले जब 9 बरस पहले वो दिन में भी सोया करती थी, शादी के पहले भी सोती थी और शादी के बाद में भी सोती थी। अभी उसका मर्द एक्सपायर हुआ था तब से फिर वो
दिन में नहीं सोती है, फिर सिर्फ ये पिछले 8-9 बरस बच्चे से। कितने हैं सर? 3 बच्चे, एक लड़का 2 लड़की। तो मतलब बुरा मत माने, उनके हस्बैंड नहीं है तो एक्स्ट्रा मैरिटल कुछ है, सेक्सुअल रिलेशनशिप ऐसा कुछ तो पूछा नहीं मैंने, देखता हूँ। पर भी हो वो सकता है ना, अच्छा, इन्फेक्शन का कारण हो सकता है सर। मुस्लिम लोगों में पाया जाता है ये चीज, जिसके हस्बैंड नहीं होते ना वो रहता है किसी और के साथ, उससे इन्फेक्शन बार बार होता है, वो भी एक कॉज होता है। हम अच्छा। चिकित्सक है, हमें चिकित्सा करना है, तो चिक 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 करना है, हेतु निकालना है कि क्या वजह से हो रहा है ये चीज बार बार। अगर वो अति मैथुन का हिस्ट्री है तो ये, एक मेरे पास एक पेशेंट का फोन आया था, तो उनको सेम ऐसे ही कंडीशन था, लेकिन वो हिंदू थी, शेड्यूल कास्ट थी, तो उनका हस्बैंड मर गया था, तो हस्बैंड ने ऐसे प्रॉमिस लिया था कि आप शादी मत करना। अब उनके बच्चे भी थे, अब हस्बैंड को ये प्रॉमिस कर दिया कि शादी नहीं करना, लेकिन अभी यंग थी, उसको तो इच्छा हो रही थी, तो उसने क्या किया कि वो जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं उनके साथ संबंध बना लिया, ऐसे 10-15 बॉयफ्रेंड बनाए उन्होंने, तो उनको ऐसे सब चीज हो रहा है। मतलब बुरा मत मानिए, ये हेतु रहता है। तो वो जो बॉयफ्रेंड है ना, कुछ मैरिड है कुछ अनमैरिड है, तो उनको एक एक दिन पे बुलाती है और वो करती है, और उसको यही सारे सिम्टम्स है वो पेशेंट को। तो मैंने उसको कहा कि आप क्यों ये सब करती है, ये तो नुकसान दे रहा है। तो उसने मुझे जो चीज बताया, उसने मुझे कहा कि मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, प्रैक्टिकली जो मैंने अनुभव किया है, मैं किसी को गलत या सही ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं हेतु पे बात कर रहा हूँ। उसने मुझे ये कहा कि सर, अगर अभी मेरे को ऐसा हो गया है बॉडी में कि अगर मेरा सेक्स नहीं होता है हस्बैंड के जाने के बाद, तो मेरे बॉडी में बहुत तनाव आता है, मेंटली फिजिकली मैं बहुत तकलीफ में रहती हूँ, बहुत ज्यादा तड़पन होती है और पागलपन होता है कि मैं अपना सर फोड़ दूं, तो मुझे अपने शरीर को शांत करने के लिए चाहिए, लेकिन ये इन्फेक्शन बार बार हो रहा है जो लोग आते हैं। और ऐसा पता चला कि जो लोग आते हैं उसके पास, बॉयफ्रेंड वगैरह, वो लोग रेड लाइट एरिया में जाते हैं, और रेड लाइट एरिया में जाते हैं, वहां का इन्फेक्शन उठा के इसको ला रहे, तो ये हेतु बंद होना चाहिए। मतलब आप बुरा मत मानिए, ये हेतु है, मतलब ये भी। अभी इसका भी ये जो वह 35 यानी 9 बरस पहले हो गया, तो वो ये जॉब कितना रहेगी? 26 के अराउंड ओबिलिटी रहेगी। हाँ, तो ये भी तो एक हेतु हो सकता है ना सर, ये हैवी मेंसेस आने का, अति मैथुन, वायु का प्रकोप करने का, ये भी तो एक हेतु रह सकता है। हाँ, ये आप देखिएगा। पूछता हूँ मैं, अभी कल सुबह आएगी वो। हाँ, लेकिन आप ऐसे डायरेक्ट मत पूछिएगा कि उसको हर्ट हो जाए, नहीं उसको नहीं डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली पूछूंगा, क्योंकि हाँ उसके साथ एक आया था, वो अलग जाति का था, हिंदू था, और वो अलग थी। दोनों का बात करने का तरीका मेरे को जरा अलग लगा, तो हाँ मैं बोला जान दो अभी उनका पर्सनल लाइफ पे। पर्सनल लेवल, लेकिन हमें तो चिकित्सा करनी है ना, आप चिकित्सा हाँ करेंगे फिर से फिर वही होगा, तो फिर वो वही होगा। अभी पेन रिलीफ के लिए चंदन मल लक्ष्य दे कर ये दे देता हूँ, बस ठीक हाँ, और आप दे। सूक्ष्म त्रिफला, AKT, अमृता गुगुल, केशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, पुष्यानक चूर्ण, पुष्यानक चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है ऐसे कंडीशन, लोधरासा और नागकेशर चूर्ण, कुटजा रिष्ट, ये सब अच्छे स्तंभन करते हैं। आप स्थानिक काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन इंटरनल भी कषायरसात्मक द्रव्य दीजिए। अच्छा फिर बाद में उनका साइकिल अच्छा करना है तो पुष्प धनवा रस, फल घृत, नष्ट पुष्पांतक रस, और कन्या लोहादी वटी, और कुबेराक्षादी वटी, आपके पास जो नहीं होगा मैं भेज दूंगा, कुबेराक्षादी वटी बहुत अच्छा काम करता है। फिर मांस पाचक, मेदो पाचक, कांचनार गुगुल, कुकुट नखी गुगुल, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं। है, ये सब है मेरे पास। हाँ सर, आप ये केस को जीत जाइए, लेकिन पहले हेतु भी निकालिए सर। हाँ ये कल रह गए, उतना कल पूछूंगा मैं भी। ठीक और कभी है, डायरेक्ट नहीं पूछना चाहिए, नहीं तो वो बोलेगी कि अच्छा मेरा मैं कैरेक्टर ऐसे। हाँ, और जो दूसरा आता है उससे बात करूंगा, उससे भी। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत मेंटल ट्रॉमा मिलता है लाइफ में, तो वो इंसान ना किसी हस्बैंड मरने के बाद किसी से क्लोज हो जाते हैं, तो उसके साथ करते हैं। अब उसकी गलती नहीं है, उसका लाइफ ऐसा हो गया है, तो वो क्या करे। हाँ ठीक है सर, फिर बताएगा। मैं कितना डेप्थ में जाके चीजें बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, तो मुझे ये सब मालूम है कि क्यों ये हो रहा है बार बार, PID, UTI क्यों हो रहा है, ऐसे आते हैं पेशेंट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सर उसका ट्यूमर के लिए क्या करें फिर, वो वो ठीक हो जाए ना, हेटेरोजेनिक। मांस पाचक, मेदो पाचक, कांचनार हाँ दुग्ध रक्षादि वटी है ना, लेखन करने वाले द्रव्य, पहले हाँ हाँ इसको बढ़ाइए ठीक थोड़ा। ठीक है और ठीक। सवरिष दीजिए, द्राक्षा सव, द्राक्षारेश कुमारी असव, दशमलारेश, अदल बदल के दीजिए, अग्नि को बढ़ाइए, प्रदीप्त करिए। और उसका हैवी मेंसेज है तो कुटजा ऋषि दीजिए। नहीं हेवी नहीं, अभी तो आज से तो थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग होता था और बीच में व्हाइट हो जाता है एक आधा दिन। ठीक लोहासव है दीजिए, कितना अच्छा हाँ अच्छा दवाई है। उनको बोलिए कि हम आयुर्वेद से जो ठीक करेंगे वो एलोपैथी वाले नहीं करेंगे, एलोपैथी वाले वो ऑर्गन को निकाल के फेंक देंगे, लेकिन उसके बाद कितने कॉम्प्लिकेशन होंगे बॉडी में। वो तो है। ठीक जी है थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। वैद्य सपना खत्री मैडम, वो बच्चे का तबियत आपने पूछा, आज आए थे बच्चे? हाँ सपना खत्री मैडम बताइए, अगर सुन पा रही हैं तो। अच्छा हरिहर सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर मैंने आज पेशेंट को देखा था, हाँ 60 ईयर है, मेल पेशेंट है हाँ और उसको चक्कर आता है। मान लो कि वो बैठा हुआ है लेकिन जब खड़ा होता है ना तो उसी टाइम वो गिर जाता है, और उसकी हिस्ट्री में एक ही मिला कि उसको उनके पहले जब ये शुरू हुआ 3 साल पहले तो उसको कान में दर्द हुआ था और कम सुनाई देता था, इसकी वजह से इसके बाद उसको यह बोलते हुआ हैं है। कि खड़े होने पे जो चक्कर आते हैं उसको बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, खड़े होने के बाद जो ब्लड सर्कुलेशन ऊपर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, बराबर। तो कान में प्रॉब्लम है तो कान में जो वेस्टिबुलर एपरेटस होता है उसमें फ्लूइड होता है, उसका भी प्रॉब्लम होता है, वात का प्रकोप है तो कर्ण पूरण करना पड़ेगा, हाइपोस्टैटिक हाइपोटेंशन है तो आपको अग्नि दीपन करके फिर उनको घृत पान कराना है, बस्ती देना है, तभी वो ठीक होंगे सर। जी बस्ती बहुत जरूरी है, तिक्तक क्षीर बस्ती या बृहणीय बस्तियां, दूध की बस्ती देंगे ना जैसे अश्वगंधा, शतावरी, बलामूल, ऐसे तो वो बहुत अच्छा बल देंगी तो हाइपोस्टेटिक हाइपोटेंशन ठीक, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन ठीक हो जाता है सर। क्षीर बला तेल, धन्वंतर तेल, महामाश तेल, जो ग्रहण करने वाले तेल हैं, अश्वगंधादि तेल, लाक्षादि तेल, चंदनमला लाक्षादि तेल, बराबर बोल रहा हूँ ना? अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग डांटिए मुझे कि क्या बोल रहे हो। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन उसका लेक्चर है मेरा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, इस पे मैंने लेक्चर लिया था मार्च महीने में। आप ग्रुप में लिखिए स्वप्निल जी, आप दे दीजिए ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, वो आप लेक्चर सुनेंगे ना तो आपको सब चीज पता चल जाएगा। बस वो बैठा हुआ तो जब खड़ा होता है तो गिर जाता है सर। हाँ ये इसको बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है इसलिए उसको चक्कर आ रहा है। तो इसमें हम लोग और एक नाश्ते देते हैं, शिरोधारा करते हैं, ब्रिहण करते हैं, रसायन देते हैं, स्वर्ण कल्प देते हैं, सारा मैंने चिकित्सा बताया, 1.5 घंटे का लेक्चर है मेरा। कर्ण ये कान में ऐसा हुआ था, उसके बाद ये हुआ, 3 साल हो गया। 3 साल हाँ से 5 6 डॉक्टरों न्यूरो सर्जन को बताया, स्नायु हाँ वाले को बताया, भाई बस कुछ उसमें फायदा नहीं है, और रिपोर्ट में और कुछ भी नहीं है, MRI भी और सब कराया है सर। हाँ तो वो नहीं दिखेगा ना, ब्रेन में ब्लड नहीं जा रहा है, इतना फास्ट उठने के बाद वो ब्लड रुक जाता है कुछ सेकंड के लिए। सर आप वो लेक्चर सुनिए तो आपको सब आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ और अभय सर आपके वो पेशेंट मुस्लिम पेशेंट को कान से भी पानी आता है ये भी बोला आपने, हाँ हाँ ग्रहणी की दृष्टि की वजह से भी हो सकता है ना तो कान तो। में एक साइड से पानी आ रहे तो दूसरे कान में उनको कॉटन लगाने को बोलिए, और साथ में सूक्ष्म त्रिफला वगैरह दे रहे हैं एंटीबायोटिक्स आयुर्वेद के, तो वो पानी आना बंद हो जाएगा सर। चलेगा हाँ सर ठीक है, लेकिन सर। तेल नहीं डालना है, जब कान से पानी आता है, पस आता है तो तेल नहीं डालना होता है, हाँ ठीक है। सपना जी आप बोलिए मैम। जी नमस्ते सर। हाँ बताइए। हाँ जी सर, आज जो बच्चे की एकदम 2 बारी फ्रेश हुआ था ठीक है, हाँ और कोई ब्लीडिंग नहीं है, और स्टूल की कंसिस्टेंसी भी नॉर्मल है, सेमी सॉलिड है। आप सब लोग बधाई दीजिए सपना मैडम को, इन्होंने आयुर्वेद से ठीक कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेट करिए जी सपना मैडम। सर आज बेबी ठीक है, एकदम ओके है।
जी सर, बाकी वो जो कल आपने बताया था सर, गंधक रसायन और रक्त शोधक द्रव्य वो ऐड कराए हैं, वो आज लेके आएंगे, मेडिसिन कल से शुरू हो जाएगी सर वो उनकी। तो वो आपकी रिलेटिव क्या बोली आपके बारे में, मतलब वो ठीक है, खुश है? सर वो और भी पेशेंट हो आ गए हैं बच्चे। अच्छा, यही तो आप एक पेशेंट ही करिए, 100 को वो नाम हाँ करेंगे। जी, हाँ जी सर, वो तो है जी सर। वो एक हमारे एक पेशेंट थे ना सर, हमने बात की थी वेरिकोसील की, तो हाँ उन्होंने अल्ट्रासाउंड तो मैंने आपको भेजा था सर, और हाँ एक फोटोज भी उन्होंने भेजे हैं, तो सर उनका। हाँ जी सर, मुझे भेजिए या हाँ ग्रुप में जी भेजिए। मैं हाँ आपको भेजूंगी। हाँ तो सर आगे बताइएगा सर उसमें क्या करना है अपने को। हाँ हाँ एक ये जी यहाँ पे और वर्षा कौशिक मैडम आती है ना, जो जी छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस करती हैं, वो सुबह आती हैं, उनके पास भी अच्छा एक पेशेंट आया था, वेरिकोसिल था, उस वेरी टेस्टिकल्स में जी भी स्वेलिंग था, सब था। उनको मैंने दवाई बताया, वो पेशेंट ठीक ही हो गया, उसके बाद वो आया ही नहीं, इतना ठीक हो गया, अच्छा हो गया। हाँ जी सर, वो बताइएगा फिर। वो स्वेलिंग वगैरह तो अब नहीं है सर, क्योंकि वो शोथर महाकषाय वगैरह दिया था उनको, हाँ लेकिन अभी भी उनको मतलब हैवीनेस भी नहीं लगता है, जो सिम्टम तो अब कुछ भी नहीं लगता उनको, पेन भी नहीं है, दर्द भी नहीं है किसी भी तरीके का, और हैवीनेस भी नहीं है, और अनईजी भी नहीं लगता। बस एक बार उनको मतलब फोटो में लग रहा है, और जो जो अल्ट्रासाउंड है वो मेरे पास जब आए थे ना सर तब की है, अभी मैंने करवाई नहीं है, लगभग मतलब 20 दिन से दवाई दे रहे हैं उनको, 20-25 दिन से। तो बाकी अब वो थोड़ा सा ये है कि आगे क्या करें, तो गाइडलाइन के लिए सर जरूर बताइएगा। जरूर, जी सर, ठीक है, जी सर, नमस्कार थैंक यू सर। मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने बच्चा ठीक किया। आप अच्छी पेडियाट्रिशियन है आयुर्वेदिक, और आप जो चिकित्सा किए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर लोग के पसीने छूट जाते हैं कि कैसे ठीक करना है, कैसे ठीक करना है, उसमें डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में ही बहुत टाइम लग जाता है। आपने कितना जल्दी और सर अच्छा काम। एलोपैथिक ने तो छोड़ ही दिया था सर उसको, मतलब देख ही नहीं रहे थे। यहाँ के SMS जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है स्टेट का, जी वहाँ के बड़े से बड़े पीडियाट्रिशियन ने उनको जवाब दे दिया था कि ये बच्चा ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि जी इसका अभी ब्लड टेस्ट वगैरह सब करा लेंगे सर सारे, जो उनके ESR वगैरह सब बढ़ा हुआ था स्वेलिंग वगैरह की वजह से, तो अभी इनको बिल्कुल ठीक है, बाकी टेस्ट वगैरह और करा आगे के। आपको ना ये सब ट्रीटमेंट चलने दीजिए अभी 15-20 दिन, उसके बाद आपको जी जी रसायन लेना है 1 साल, जैसे वशिष्ठ रसायन, अगस्ती रसायन जो छोटे बच्चों का होता है, कर्कट श्रृंगी का चूर्ण, अरविंद दासव, बाल चतुर्भुज बहस रस, ऐसे कुछ जी तो, सर, कुमार कल्याण रस, जैसे इम्यूनिटी बूस्टअप हो, स्वास्थ्य। इम्यूनिटी बूस्ट रहे। हाँ जी सर, सर कुमार कल्याण रस का सेवन अपन मतलब लगातार कर सकते हैं हाँ एज ए रसायन। हाँ अगर महंगा पड़ रहा है तो एक गोली लीजिए, उसको कूट के मिश्री का जो पाउडर होता है, या भूरा जो होता है, ब्राउन जी शुगर सर, शुगर होता है, जी उसको कूट के और ये उसकी 60 पुड़िया बना दीजिए, और एक एक पुड़ी सुबह शाम ले। अगर महंगा गरीब पेशेंट आ रहे तो एक गोली 1 महीना तक देना है, अगर अमीर पेशेंट है तो एक 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 गोली सुबह शाम। सुबह शाम देना है ये सर। अपन टिल 6 मंथ दे सकते हैं, स्वर्ण दे योग हो दीजिए, जाएगा, दे दीजिए, हाँ 6 महीने कंटिन्यू करवा दें इनको तो। दे दीजिए। अगर आपको डर लग रहा है तो 42 डेज देके ब्रेक करिए 10 दिन, फिर 42 डेज देके फिर ब्रेक करिए, फिर दीजिए ऐसे। हाँ नहीं सर, जैसे अपन स्वर्ण प्राशन करवाते हैं ना बच्चे बेबीज को, 6 मंथ कंटिन्यू भी करवाते हैं कि नहीं हाँ सभी को, जी तो उनमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी होती है सर। बिल्कुल नहीं होती है वो, आपको डर लग रहा है तो मैंने बोला। नहीं, डर नहीं सर, हमने बच्चों को तो दिया है महास्वर्ण योग जो आता है ना सर, दूध पापेश्वर का बन टेबलेट, वो तो देते हैं, जी लेकिन कुमार कल्याण रस नहीं सेवन करवाया लंबे समय तक। दे सकती हैं, बहुत अच्छा दवाई है वो, जी कुमार का सर, कल्याण करता है। मेरा एक लेक्चर है यूट्यूब में आपके लिए मैंने बनाया है, वो आप जी ग्रुप जी में लिखिए, स्वप्निल सर देंगे, पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर है, उसमें मैंने हर छोटी छोटी बातें बताई है, वो आप पढ़ के फिर आपको बहुत जी अच्छा सर, कॉन्फिडेंस आएगा। जी सर जरूर सर, देखेंगे सर। जी सर, सर पारक गंधक का योग है, फिर इसको अपन गैप तो करना चाहिए, नहीं तो फिर इसको वो शास्त्र के हिसाब से फिर वो काम नहीं करेगा, वो बहुत तो दिक्कत आएगी उसकी। 42 डेज दे के ब्रेक करके फिर दे सकते हैं। हाँ क्योंकि पारक गंधक है तो ब्रेक करना ही चाहिए। हाँ ब्रेक सर कितने दिन और का, लगभग सात 1 वीक दिन दस का ब्रेक, दिन 7-10 दिन का ब्रेक करके। अगर, क्योंकि आजकल कैसा बनाते हैं मालूम नहीं है, आप कंपनी का ही देंगे तो टॉक्सिक इफेक्ट से वो वॉश आउट हो जाए बॉडी से। जी सर, जयपुर में तो लक्ष्मी नारायण का है, उसका बढ़िया आ रहा है, वहां बना बनाया, वो हाथ से बनाते हैं वो लोग, बढ़िया बढ़िया बनाते हैं वही।
जयपुर में जी हाँ, कौन बनाते हैं? स्वामी स्वामी लक्ष्मी नारायण की वो फार्मेसी ना जौहरी बाजार में। हाँ स्वामी लक्ष्मी नारायण, हाँ जी है ना, उनकी तो अच्छी है वहां मेडिसिन। पे तो अच्छी क्वालिटी के बनाता है वो 1100 रुपए की करीबन 1 ग्राम में देता है। जी सर, आप कहाँ से हैं सर? आप जयपुर से हैं? मैं भरतपुर से हूँ वैसे। अच्छा, जी सर, जी सर, सर ने ठीक है सर। एनआईए से पढ़ाई किया है, बीएमएस, बहुत इंटेलिजेंट है। सर हमने एमडी एनआईए से किया है, जयपुर से ही, अच्छा कब किया है आपने इसीलिए मैम, कब किया है आपने? सर मैं 2018 में कंप्लीट हुआ था, 15 बैच के हैं सर हम, पंद्रह और कौन सा सब्जेक्ट में? सर अगर तंत्र टॉक्सिकोलॉजी में किया था अच्छा एनआईए से। तभी मैं सोचा इतना इंटेलिजेंट कैसे हैं आप। एनआईए में तो एंट्रेंस देके जाते हैं लोग। सर हाँ जी सर, हमारा तो, हम वैसे तो 05 बैच के सर हैं, जूनियर यूजी, मतलब जी यूजी बैच सर, 05 बैच है हमारा। तो मेरे से तो बहुत छोटी हैं आप। हाँ जी सर, हम तो सभी से शायद छोटे हैं इसमें ग्रुप में। हाँ जी सर, हाँ ठीक है मैम, आप करिए और हाँ फिर जी दीजिए। लेकिन इम्यूनिटी अगर आप रसकल्प स्वर्णकल्प नहीं देना चाहती हैं तो हर्बल च्यवनप्राश या फिर स्वामला कंपाउंड आता है दूध पाशर का, वो दे दीजिए। जी अगस्त्य रसायन या फिर वशिष्ठ रसायन, वो भी अच्छा है ना, सेफ है वो। जी सर, जी सर, आंवला तो बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं, और अग्नि बढ़ाने के लिए लहसुन हम्म, आदि पट्टी दे सकती हैं बच्चों को, या लवण भास्कर चोहान, अरविंद दासव, जो उनको अच्छा लगे वो। हाँ एक सर और बताना चाहूंगी बात, आपने जिस दिन पर 2-3 दिन पहले बोला था ना लवण भास्कर ऐड करिए, हाँ लवण भास्कर से सर मतलब उनकी जो स्टूल की थी अपनी क्वांटिटी वो कम हो गई, जैसे हाँ तो जो सात आठ बार भी कितना जा रहे थे। लवण है वो अग्नि जी को स्थिर रखता है। मैंने रोहिणी पे एक लेक्चर लिया था पिछले साल, जी बरेली से सर, लिया था वो, इनको मालूम है, गंगवार सर को मालूम है। तो वो ना, अगर हम देखें कि सबसे अच्छा दीपन पाचन कौन सा द्रव्य करता है, घृत करता है, कटु रस करता है, तिक्त रस करता है, कि लवण रस, तो लवण लवन, रस अग्नि को भी बढ़ाता है और स्थिर रखता है अग्नि को, परमानेंट इतना अच्छा करता है। जी सर, इसे हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट मिला सर, 2-3 दिन में ही मतलब उसका एकदम ही फ्रीक्वेंसी कम हो गया बहुत। और आप ना अगर कुछ भी नहीं देना चाहते हैं, अगर लवण भास्कर चूर्ण भी 1 साल देंगी ना, उससे भी उसका जी इम्यूनिटी अच्छा हो जाएगा। नॉर्मल अच्छा खाना पीना दीजिए और बाहर का ना दीजिए, केवल अग्नि को अच्छा रखे, लवण भास्कर चूर्ण से अपने आप बॉडी अच्छा हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा खाने पीने से ही। जी सर, जरूर सर, जी सर, अभी 2 साल का बच्चा है, ये नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा, गोली नहीं खाएगा, नखरे भी तो होते हैं बच्चे के, तो लवण हाँ भास्कर। जी सर, जी जी ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। बाकी आप लोगों में से कुछ कोई बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर महेंद्र सर, आप कितना अच्छा सुबह टीका वाचन करते हैं, आप गा के बोलते हैं तो मुझे फोन आते हैं कि महेंद्र सर की आवाज बहुत मधुर है और इतना मन लगा के बोलते हैं। सर बहुत तारीफ होती है आपकी, आपको पता नहीं है। मन से पढ़ता हूँ लेकिन आवाज अच्छी नहीं है, क्योंकि आवाज तो मेरी भारी है शुरुआत से, बचपन से इस तरह की है। आप सबसे पूछिए किसको आपकी आवाज खराब लगती है, पूछिए कौन बोलेगा। तनिका मैम आपको खराब लगती है आवाज सर की, कितना अच्छा तो नहीं सर, पढ़ती ऐसा कुछ नहीं है सर, बहुत अच्छा है सर, आप इतना अच्छा तो बोलते हो। और रुद्राष्टक बोलते हैं, लिंगाष्टकम बोलते हैं, आज कृष्णाष्टकम बोला, कितना बढ़िया तो बोलते हैं सर, हमें बहुत अच्छे लगते हैं आप। बढ़िया सर, लेकिन लोग यही कहते हैं आवाज बहुत भारी है, अभी हैवी, जैसे क्या लोग, कौन लोग तो मतलब सबको बोलते हैं। बोलता हूँ बहुत धीरे धीरे बात करता हूँ प्रेम से, और लोग समझते हैं लड़ रहे हैं। सर क्या है, लोग मोदी जी को भी बोलते हैं, सोनिया गांधी को भी बोलते हैं, राहुल गांधी को भी बोलते हैं, लोगों ने तो सीता माता को भी नहीं छोड़ा, लोग किसको, राम जी को भी बोलते हैं, तो वो क्या है, लोगों का क्या, आपको आपको पता है ना, आप सही बोलते हैं बस, आप और हमें तो अच्छे लगते हैं बस। यही सबसे बड़ी बात है सर मेरी, मैं समाज में भी जो कुछ कहना है मुंह पे कहता हूँ, हाँ बस उस तरह का मीठा नहीं बोलता कि मुंह पे कुछ को और पीछे से कुछ को, जो कुछ है मुंह पे है वो हाँ और अभय सही है सर भी, तो गलत अभय सुनावने सर को भी देगा, मुंह पे बोलेंगे, दिल में कुछ नहीं है, छल कपट नहीं है, मुंह पे जो भी है बोल देंगे। जी बहुत अच्छा है। तो। इस बच्चे को अपन यदि लवण भास्कर चूर्ण को अग्नि सही हो जाए तो उसमें देते हैं घी में, बहुत सही, बहुत ज्यादा अच्छा करता है फिर वो, क्योंकि भ्रंगण भी कर लेता है और पाचन भी कर लेता है सर।
हाँ जैसे घी में चटनी की बना के और वो बच्चा खा भी लेता है आराम से, कोई दिक्कत भी नहीं है उसकी। हाँ सही बताया आपने सर। तो आप मैम सपना मैडम आप उनको महंगा दवाई देना चाहेंगी, बहुत सारा महंगा दवाई मंगा दिया और बच्चा ने नहीं खाया तो वेस्ट हो जाएगा। तो आप लवण भस्कर चूर्ण खिलाइए, 1-2 महीना अग्नि को अच्छा होने दीजिए और उसके बाद अगर वो मन करे तब सामला दीजिए। वो देखिए आप कैसा पेशेंट का कैसा है, बच्चा क्या खा पाता है क्या नहीं, उसको जबरदस्ती मार पीट के तो दवाई नहीं देना है ना। उसका खुश मन भी खुश रहना चाहिए, उसको टेंशन नहीं रहना चाहिए कि मुझे दवाई खाना पड़ रहा है, रोज रोज गोली खाना है, रोज रोज गोली। क्या है बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करते हैं गोली खाने में। ठीक है और वो किसी मैंने को? पूरे को दिया है सर, कोई दिक्कत नहीं आती। कुमार कल्याण को ग्लूकोज में मिला के दिया है मैंने, हाँ कोई दिक्कत नहीं आती। खूब आराम से मांग के लेता है कि वो ग्लूकोज वाली दवाई खिला दो। हाँ अब उसका कंटिन्यू चल रहा है, वो उसकी खांसी जुकाम तो बिल्कुल सही है, पेट उसका सही है फिलहाल, लेटरिन वेटरिन में सही आ रहा है, और अब खांसी वांसी भी नहीं होती, अब एसी वगैरह कोई दिक्कत नहीं होती उसको। जी, हमें अरविंद क्या है अग्रवाल भास्कर बच्चे को इतना स्ट्रांग बनाना है ना कि बाद में एंटीबायोटिक खाने की जरूरत ना पड़े, पूरा लाइफ उसका अच्छा होना चाहिए। जी ठीक है आगे बढ़िए, और किसी को कुछ बताना है पूछना है? वीना मैम, तनिका मैम, आपको आज का सेशन कैसा लग रहा है? हरिहर सर, जागीर सर, बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। जी जी पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, पॉजिटिविटी रहती है यहाँ पे। जी सर, जो ईश्वर लेक्चर बहुत शाम अच्छा। में लेक्चर जो होता है ना, जो हाँ जो शाम वाला लेक्चर सर, वो बहुत अच्छा होता है सर। लेक्चर 3-4 दिन से 7 ना बजे बहुत, का यस सर, 7 बजे वाला सर, आप लोग बहुत बोर नहीं ही, होते ना, मैं कितना डीप में जाता हूँ। यस सर। आप सर हर एक पॉइंट कवर करते हो, हर एक मतलब जो एलोपैथिक वाला भी है या मॉडर्न पॉइंट भी है, और प्रैक्टिकली जो पॉइंट्स होते हैं उनको सबको कवर कर देते हो सर आप। हाँ और क्या है सर, मेरे पास पेशेंट इतने आते हैं ना तो मुझे हर, जब भी मैं हर पॉइंट बताता हूँ तो मेरे दिमाग में पेशेंट का पिक्चर आ जाता है। तो हाँ सर, आप लोग भी वो पेशेंट देखेंगे तो मुझे आपको आइडिया आएगा। अभी क्या पेशेंट है मेरे को पास फोटोग्राफ्स बहुत है लेकिन मैं ग्रुप में कैसे भेजूँ? वो सब लोग बोलेंगे कि क्या क्या फोटो भेज रहा है ये, लेकिन देखना वो फोटो कैसे भेजूँ? सर। मेल 6 बजे इन वाले लेक्चर में जो आप मादा मृदान पढ़ाते हो, उसमें पहले आप चिकित्सा ही बताते थे, अब केवल वो मादा मृदान ही मादा मृदान पढ़ा के रह जाते हो। अच्छा, वो चिकित्सा भी पढ़ाऊं क्या? मुझे साथ में वो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है उसकी, रिवीजन हो जाता है वो, तो तो अब याददाश्त फिर वापस वो रिपीट हो जाती है, तो फिर याददाश्त और बढ़ जाती है वो। ठीक है, कल से मैं चिकित्सा भी बताऊंगा और अगर आप आधे घंटे से 1 घंटा चाहते हैं तो मैं 1 घंटा भी पढ़ा सकता हूँ नहीं, वो तो आप। आपके टाइम के हिसाब से एडजस्ट करो, क्योंकि आपका भी बहुत सारा काम रहता है, तो उसके हिसाब मेरा से कुछ आप नहीं काम, करो। मुझे मुझे सर ने कहा था कि आप 1 घंटा मत पढ़े, लोग नींद में रहते हैं तो वो बोर हो जाते हैं 1 घंटा सुन के। पहले 1-1 घंटा का ही होता था सर सुबह। नींद वाला कोई नहीं आएगा सर, नींद वाला कोई आएगा ही नहीं फिर क्लास में ही, वो तो नींद में तो नींद ही लेगा, वो क्लास में क्यों आएगा। ठीक है तो फिर मैं 1 घंटा लूंगा, जितना आप बोलेंगे, जहां बोलेंगे रुक जाए तो मैं रुक जाऊंगा। नको नको सर, 1 घंटा नको, आधा घंटा ठीक है उसमें 10 मिनट ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है सर वो आधे घंटे ठीक है सर। एक्चुअली मैं सुबह फिर रेडी होना होता है हाँ ना ऑफिस के लिए भी सर, हाँ तो इसीलिए जी तो पहले मैं एक एक सर, घंटा करता था तो सर बोले कि नहीं आप आधा आधा घंटा करो सुबह का शॉर्टकट। फिर दिक्कत नहीं रहेगी उसमें ना। साथ में चिकित्सा के लिए कह रहा था, उसमें साथ हाँ में ठीक है चिकित्सा भी ठीक करे, है रिवाइजर हो जाता है उसका, और कुछ नहीं ठीक है। सर। मैं चिकित्सा, माधव निदान में चिकित्सा कहाँ है? मैं मेरे बुक उसमें में नहीं तो है नहीं। हाँ लेकिन चिकित्सा में ला के मैं पढ़ाऊंगा ना। आप ये सोचिए कि हर व्याधि पढ़ रहे हैं तो हम केवल पढ़ रहे हैं, वो उसके साथ अगर हाँ चिकित्सा बताया जाए तो वो और अच्छे से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट होगा ना, क्लियर होगा, मगर सुश्रुत की चिकित्सा लाएंगे आप। हाँ। और मेरे पास शालाक्य तंत्र की किताबें हैं ना सब। हाँ, नेत्र चल रहा है अभी तो हाँ और दूसरा बराबर। उसका अगर फोटोग्राफ दिखा दिया तो और मजा आएगा। हाँ इसलिए हम पढ़ रहे हैं सवर्ण शुक्ल अवर्ण शुक्ल, बस इतना बस पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर वो दिखा दिया वो क्या होता है तो फिर वो और ज्यादा दिमाग में बैठेगा पिक्चर से। हाँ जैसे शाम का लेक्चर में मैं पिक्चर दिखाता नेत्र हूँ तो मजा आता है। के बारे में तो अपने ग्रंथ में, इसमें सुश्रुत संहिता में बहुत अच्छा ही डिटेल ही दिया है, बहुत ज्यादा ही। हाँ सुश्रुत संहिता में, सुश्रुत हाँ में हाँ नहीं, तो आप अगर चाहेंगे तो सुश्रुत संहिता भी हम पढ़ेंगे ये होने के बाद। अभी अभी तो ये माधव मृदान चल रही है, तो थोड़ा कोई
हाँ माधव सर निदान फिर थोड़ा ही रह इसके गया बाद है अभी। चरक स्टार्ट कर सकते हैं क्या? चरक करेंगे चरक ना, संहिता, चरक का चरक बहुत दिनों से संहिता। डिमांड आ रहा है, लेकिन एक हाँ अध्याय जी, एक ग्रंथ खत्म करके। पहले क्या था, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो नवीन सर मुझे बोलते थे आप सुबह उठ के 5 बजे पढ़ाओ। मैं अकेले आता था अक्टूबर में 2020 या 19 में, और मैं अकेले आके पढ़ाता था, सब लोग ठंडियों में सुनते थे, अकेले कोई डिस्कशन नहीं, 5 से 6 6:30 बजे तक कंटिन्यू मैं पढ़ाता था। पूरा चरक संहिता मैंने कंप्लीट किया है पूरा। तो वो बाद में अष्टांग हृदय शुरू हुआ, फिर दो दो सेशन होने लगे, फिर ऐसे चेंज करते जा रहे हम लोग। चरक में तो अपन चक्रपाणी की टीका लेके चले तो उसमें तो अपन ने उससे भी हैवी हाँ पड़ेगा, पढ़ेंगे, हाँ अष्टांग से भी चलेंगे उसमें ना तो अपन बहुत पढ़ेंगे बहस करते हैं। जी। चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे पहले, आप जो बोलेंगे वो अध्याय पढ़ेंगे, जो आपको पढ़ना है वो हम नहीं पढ़ते उससे रहेंगे। क्या अपनी अपनी एज में आप ये जो नए आए हैं इनके इनको भी रिवाज हो जाए। अब हमारी हाँ एज में तो हमने अब बहुत पहले पढ़ी थी, अब वापस इसको रिवाज हो रहा है क्योंकि हाँ मन नहीं करता था अकेले पढ़ने का। नहीं पढ़ने को किताबें तो पढ़िए कभी पढ़ लो, लेकिन वो हाँ आपके साथ में उसका रिविजन हो जाता है तो उससे वापस वो थोड़ी सी याददाश्त से क्लियर हो जाती है रेस। हाँ हाँ और जो डिस्कशन होता है अभी शाम के सेशन में, कंचन मैडम ने कितने अच्छा अच्छा चीज बताया। कंचन मैडम का 27 28 ईयर्स का प्रैक्टिस है, तो उन्होंने भी बहुत पेशेंट दिया, और फिर अच्छा मजा आता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, आप जैसा बोलेंगे वैसा होगा। सुबह के सेशन आधा आधा घंटा ठीक है, बीच में थोड़ा ब्रेक चाहिए। बर मैं उद्या संध्या का या सेशन ला एका पेशंट ला लिंक पाठवू का? पाठवा, जन्ना इंटरेस्ट है पाठवा, पेशंट ला पेशेंट ला पाठवा, काय प्रॉब्लम। बर पाठवते उद्या या वेळेला। हाँ का काकांना मध्ये त्यांना बोलवू। इंटरेस्ट है का शिकण्यासाठी? नाही नाही शिकायला नाही, ओ का का काका काकांसाठी। हाँ ठीक है ठीक है हाँ ठीक है ठीक। ओके ओके 9 बजे के सेशन में ना, 9 बजे। हाँ तो केस टेकिंग करना है। हाँ फिर करेंगे, नहीं केस टेकिंग नहीं करना, पाँव 7 बजे दिखाना वाले है फॉलोअप के लिए। आपके पास फॉलोअप के लिए कितना बजे आप करेंगी? 9 बजे, 9:10 के आप हमारा सेशन रहता है ना, यही सेशन उसी नौ टाइम से दस पे आप काका जी को यहाँ पे लाएंगी और दिखाएंगी कि क्या हो रहा हाँ है क्या नहीं। हाँ ठीक है, हाँ 9 बजे। और बस्ती के लिए थोड़ा बोल दीजिए उनको। हाँ मैं अभी बोल, तो चल रहा है तिकतक्षीर बस्ती चल रहा है, अभी 1 महीना हाँ तो लीजिए ऐसा हाँ बोल दिया है। फिर आप भी बोलो, हाँ और आपका ही बस्ती मानते वाला हैं। जो सेशन हुआ था उसी पे अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर भी बस्ती का सेशन हो तो वो भी हम करेंगे, जो मैंने वहां पढ़ाया था, जो आप लोगों को ऐसे था कि हमको नहीं बताया गया, वो भी यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। आपका और नवीन जी का जो चल रहा है ना, आप उससे जो उनके टाइम पर साथ चलते रहता बातचीत है करके फिर आपको जो वो चलते रहता चाहिए है, वो। वो चलते रहता है, ऐसा कुछ नहीं नहीं। नहीं वो नहीं, चर्चा करके उनके साथ ऐसा मुझे बोलना है। हाँ देखिए वो मुझे सर ने क्या बोला है कि आपको जो पढ़ाना है पढ़ाओ। अच्छा। कल हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपको जो पढ़ाना है पढ़ाओ, और दूसरा बात है वो मेरा ब्रोशर बना देते हैं कि ये ओके पढ़ाइए। अब वो बड़े हैं मेरे से, 12 साल बड़े हैं, तो अभी और उनका प्लेटफॉर्म है तो मुझे उनके साथ भी तो रहना है ना। ना, हाँ ना वो तो है ना बरोबर। जो आप लोगों को मालूम नहीं है, चाहिए आपको सर ने MSc भी किया है, MD किया है, सर का नॉलेज बहुत है, वास्ट है। हमें हर इंसान में अच्छी चीजें देखनी चाहिए कि कितना मेहनत किया है सर ने। ठीक है, बरोबर है। और डॉक्टर आदित्य सर आप कैसे हैं सर, आपका तबीयत ठीक है? ये हमारे सर हैं, MBBS MD डॉक्टर हैं। आदित्य सर आप आए बाहर है, बताइए सर। गुड इवनिंग सर। सर अभी भी रिकवरी में है, मतलब मसल पावर पूरी आई नहीं है, आप हमें कब लेकिन दिखाएंगे अपने आप को? सर मैं अभी वीडियो ऑन करता चलिए आप आदित्य सर को सुनिए, इनको क्या बीमारी हो गया था। सर आपको क्या हो गया था आप बताइए, सबको क्या हो गया था? हूँ। सर एक्चुअली मैं मेरे को डर्मेटोमायोसाइटिस हो गई थी, मतलब मसल जो इन्फ्लेमेशन है वो और स्किन पे चेंजेस आते हैं। इस बीमारी में अस्थि धातु और मांस धातु मतलब स्किन और मसल्स में इन्फ्लेमेशन होता है। तो स्किन में इन्फ्लेमेशन होता है तो फोटो सेंसिटिविटी हो जाती है, सनबर्न हो जाते हैं और रैशेज आ जाते हैं।
और मसल में इंफ्लेमेशन होता है तो मसल पेन के बाद मसल लाइसिस, मसल वीकनेस इस तरीके से हो जाता है। फिर स्किन में जैसे फेशियल पफिनेस, स्वेलिंग, ये सब आ गया था, आप तो लोग को ये लग रहा ऑटो। है जिन्होंने आदित्य सर को देखा है अभी लग रहा है कि चेहरा सूजा हुआ है, जिन्होंने पहले जी देखा है अभी जी बताइए। सर, शशि हाँ मैम, सर, हाँ क्रिस्टल सूजा क्लियर हुआ नजर आ है रहा है, बहुत सारी चीजें सर। मुझे नजर आ रही है, मैं बाद में सर को कॉल करूंगी। जी हाँ, तो आदित्य जी सर बताइए। हाँ तो सर बेसिकली मसल और स्किन इन्फ्लेमेशन हो गया था, तो पहले मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है। वृक्षारोपण जुलाई में खूब पौधे वौधे लगाए, ऐसा लगा कि एक से एक क्यों चल रहा है, और फिजिकल परफॉर्मेंस बहुत कम हो गई थी। मतलब जैसे पौधों को गड्ढा करना, डिपार्टमेंट जाना, दर्द चालू हो गया था। तो फिर शुरू में मुझे लगा कि जो नवपाषाण, मतलब एक मेडिसिन ली थी मैंने, तो लोग कह रहे थे हो सकता है उसके कारण हुआ, उसके कारण कुछ नहीं था एक्चुअली। मैं वो मेडिसिन ठीक थी, नहीं, तो तो मैं आपका ये पेड़ लगाना तो ये हेतु नहीं मिल रहा है, पेड़ लगाए तो क्या वजन ज्यादा उठाए थे? नहीं सर, एक्चुअली मैं क्या, उस वक्त मैं फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा की थी, उसमें कुछ प्रेसिपिटेट हुआ है। मतलब जो मसल, जैसे इन्फ्लेमेशन में यूज नहीं करना चाहिए, जैसे अगर मसल में इन्फ्लेमेशन है तो मसल यूज नहीं करना चाहिए। ये तो तो मॉडर्न मुझे नुस्खा हो गया, आप आयुर्वेद के भाषा में बताइए, क्या जी अग्नि जी जी मान्यता, क्या अति साहस है? नहीं, पित्त, तीक्ष्ण पित्त बोल सकते हैं सर, जैसे पित्त तीक्ष्ण तो जैसा हो खाना नहीं जो खाते थे टाइम पे, भूख लगने पे टाइम खाना नहीं खाते थे, सोते नहीं थे। सर। मतलब रात में तो खाना नहीं खाता था, लेकिन सुबह या दोपहर में एक बार खाना खाता था। अगर फिजिकल वर्क ज्यादा हो गया तो शाम को 6-7 बजे तक दूसरी बार खा लेता था। उसके साथ में और विरुद्ध अन्न खाते थे, दूध और नमक, दूध और नहीं सर, नहीं पराठा। सर, ये एक्चुअली मैं जब बाहर गया था, मैं नवंबर से अब फरवरी, तो जैसे पनीर की सब्जी मिलती थी लखनऊ में, तो उसमें नमक डला रहता था। हाँ, तो ये तो हेतु है ना, विरुद्ध अन्न गया है ना, यस सर, ये संभव है। यस सर, पनीर की और आप सब्जी। हाँ बोलिए सर, बोलिए। आप बहुत दिन पारद कल्प कुष्ठ भी खाते थे ना आदित्य जी? नहीं मैम, एक्चुअली मैं वो नाक में मैंने सीता मकर था, जिसमें मेनली हिंगुल था और स्वर्ण कम ही रहता था, वो हाँ, ठंड में डाला था, तो वो कफज तो वो जिस तरह नवंबर दिसंबर में डाले थे तो वो शुद्ध नहीं जी होगा जी जी पारद, जी उसका नहीं भी नहीं साइड उससे इफेक्ट। उससे उससे कुछ नहीं, उससे कुछ हाँ नहीं। सर, आप मुझे भी कैसे लगता है लगते हैं सर, कि नहीं? मेडिकेशन का सर कोई ना, जैसे सर मेडिकेशन लेते रहते हैं ना बीच में, पार्श्व पारद गंधक का इसमें योग कई बार सर बताते हैं ना सर कि मैं यूज करता हूँ, तो सर वो तो नहीं कहीं उसके उपद्रव तो ये हो भी सकता हुआ है उसका उपद्रव हुआ है, पारद का होता है। है? यस सर। मेरे एक तो बीएमएस का स्टूडेंट था, उसके पिताजी भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करते थे, और कुछ तो ऐसा हुआ कि आंखें चली गई और फिर डेथ हो गया। और आपके गले में पारद की माला भी थी, हाँ याद है मुझे? किसी ने जी गिफ्ट किया मैम, था एक्चुअली पारद मैं पारद की माला ने मेरे को, मतलब अभी देखने में ऐसे कुछ नहीं दिखेगा, बहुत मदद करी। मतलब कि एक स्थिरता जो रहती है, अब मैं क्या बोलूँ इस प्लेटफॉर्म पे, थोड़ा नॉन साइंटिफिक लगेगा, कि सूक्ष्म सत्ता रहती है। हमें ऐसा लगता है हम पैदा हुए, जीवित हुए, हम ये सब काम किया, हमने हमने बहुत कुछ किया, फिर हम मर गए, तो ये सब बदलता रहता है। लेकिन जो नवपाषाण मैंने ना लिया था मैम, अब वो सूक्ष्म सत्ता नींद में आने लगी है, कि जब सर, पहली बार आप उसका आभास एक्सपेरिमेंट हुआ। मत करिए, शरीर खराब हो अभी अब जाएगा। नहीं, नहीं अभी तो आयुर्वेद की औषधियों से, जैसे बिल्वादी गुली का, अमृतोत्तरम कषायम लिया था पहले, और और भेजा षड्धरणम सर लिया था आम के लिए, पारा और फिर गंधक, ये सबसे आप ये हो ना एक्सपेरिमेंट बने मत करिए सर, वो नुकसान संभल है। नहीं सकते हैं सर इसको। पारा का यदि इनके अशुद्ध का हुआ है तो गंधक का उपयोग कर सकते हैं अपन, उससे वो उसका साइड इफेक्ट खत्म हो जाएगा। हाँ, गंधक का सेवन करें सर, आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे ना आप बता रहे हैं कि आप पारद की जो माला यूज करते हैं, अब उसकी बजाय ना अगर हम पारद के शिवलिंग अगर घर में रख रखोगे अपना, और उसका प्रतिदिन पूजा करोगे, तो सर थोड़ा से काफी फर्क पड़ेगा सर उससे भी, आपका जो मतलब माला धारण करने की बजाय ना आप शिवलिंग, पारद शिवलिंग जो आता है आप उसको आप अगर अपने प्रयोग में लाते हैं तो आई थिंक सर, काफी हो क्या है जाता है। ना, पारद संहिता आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे बहुत सारे चीजें वाक्या लिखे हैं कि लोग पारा पे ना बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे रसशास्त्री, तो उन्होंने कुछ कुछ चीजें बना ली, खेचर गुटिका बना ली, वो खेचर गुटिका को जीभ के नीचे रख के उड़ सकते थे, ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता था, लेकिन बाद में उनका हार्ट अटैक आके डेथ हो गया। पारा पे बहुत एक्सपेरिमेंट पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है बॉडी पे।
तो इसलिए बिना के देखिए, पागलपन भी आता है ये हो सकता है इनके लिए इफेक्ट पागलपन। हुआ हो, उस तरह का पारा के हो सकता है। आप गंधक का प्रयोग करो आदित्य जी, हो सकता है आपको उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। और माला को एक बार आप कहीं भी ठाकुर जी के यहाँ जहाँ आप पूजा करते हो वहां एक बार रख दो और गंधक का प्रयोग करो, उसके हो सकता है आपके साइड इफेक्ट ही खत्म हो जाए इसका, क्योंकि उसका इफेक्ट हो सकता है। आपने माला धारण कर रखी है तो उसका इफेक्ट तो आएगा ही शरीर पर, स्वाभाविक बात है। और हमारे जमदग्नि सर बताते हैं कि बहुत सारे लोग ना पारा शुद्ध करते करते वो पारा ना नाखून से किडनी तक गया, किडनी फेल कर दिया। जी 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 सर, पारा ये की गति बहुत तो सूक्ष्म होती है। ये सर, तो हालांकि किडनी क्रिएटिनिन तो 0.7 है और बाकी सारे रिपोर्ट्स ठीक है, लिवर का एंजाइम नहीं, वो 100 था अभी नहीं मेरा, पता चलेगा, बाद में भी पता चल सकता है। दस साल तक भी होता है, पता नहीं रहता है। लेकिन वो जो रूक्षता और ड्राइनेस बॉडी के अंदर आती है, तो सर मैंने क्या किया कि जो स्नेह मतलब लंघन के बिना ही, लंघन मतलब एक बार मील किया, उसमें भी जैसे जो अपने धान जो मिलिट्स रहते हैं उसको मूंग की दाल के साथ उसमें एक आध सब्जी डाल दी और उसको पका के उसमें ऊपर से घी डाल दिया, एक बार ही खाना खाता था दिन में ऐसे। और बाकी अगर भूख लगती तो सूप पीता था, उसमें घर में निकला हुआ नवनीत छाछ से, ओ दही से निकला हुआ नवनीत डालता रहता था। तो इतना ही डाइट रखा फिर मैंने, और स्नेह को डाइट में लिक्विड के साथ बढ़ाते रहे, कुछ भी मीठा नहीं लिया, जैसे शहद होम्योपैथी की गोलियां, मीठा कुछ भी नहीं गया अंदर, ना दाल मूंग के अलावा, ना ना दूसरी कोई दाल या रोटी या चावल सब। तो सर बहुत जल्दी रिकवरी हुई, मतलब उसी से अभी मैं मतलब आज आजकल तो मैं ड्यूटी भी जाने लगा हूँ। तो पहले बीच में ऐसा समय था कि शरीर पूरा ही मसल इन्फ्लेमेशन के कारण पैरालिसिस, मतलब जब बिस्तर पे ही आ गया था, पैर उठाते नहीं बनते थे, जो थाइज मसल जो रहती है ना सर वो उठाते ही नहीं बनती थी। ओवर हेड भी अभी भी पावर कम है, मतलब पूरा हाथ जैसे कंघी करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा वीकनेस सा लगता है, लेकिन काफी इम्प्रूवमेंट, क्रिएटिनिन कम आ 50% के गया ऊपर इम्प्रूवमेंट, 50-60%। क्रिएटिनिन कम आ गया। हाँ मैम, क्रिएटिन बड़ा नहीं था मैम, अच्छा 0.7 ही था, पहले भी उतना ही था। पॉइंट। तो ऐसा कुछ एक नाड़ी, तो भी आगत तंत्र की सर दवाइयां ली तो चले अगर तंत्र की आगत। मैम, अच्छा हाँ हाँ मैम वही, हाँ उसी के लिए मैं केरला गया था मैम, उल्लनूर मना त्रिशूर के आउटर में जगह, तो वहां पे क्या है वो जो विषैले सांप जो काटते हैं ना, उनका 90% के ऊपर सर्वाइवल है विदाउट वेंटिलेटर। वो लोग भारत की औषधियां जैसे ही बनाते यहाँ लगाते हैं, कानों में फूंकते हैं एक साथ और सिर पे भी फूंकते हैं दवाइयों को चबा के एक साथ, और फिर अप्लाई करते हैं, फिर आंखों में लगाते हैं कुछ औषधि, और फिर पिलाने को, पिलाने लायक तो अवस्था रहती नहीं। तो वहीं पे गया था तो उन्होंने एक काढ़ा भी दिया था, उसमें पित्तशामक बहुत सारी चीजें थी, उसको मैंने 2 हफ्ते लिया मैम, काढ़े को 2 हफ्ते लिया। तो अभी क्या है ना कि जैसे इम्प्रूवमेंट हुआ ना, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोल दिया था और इसमें स्टीरॉइड्स और मेथोट्रेक्सेट लेने को बोला था, तो मैंने तो एक भी दिन नहीं लिया, तो फायदा ये हुआ कि ये देख के कि आयुर्वेद से भी इंसान इम्प्रूव हो सकता है। तो कम से कम माता पिता दोनों डॉक्टर हैं, उनको विश्वास होने लगा है। तो जैसे अभी पिताजी को बड़ी मुश्किल से छाछ में, जैसे लहसुन 6 घंटे अगर डाल, छाछ में ऐसी चीज है बहुत ही बढ़िया चीज है, उसको मैंने कभी यूटिलाइज नहीं किया, मतलब वो उसमें हम कुछ भी चीज डालते हैं ना तो बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे लहसुन अगर हम सब्जी में खाए 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 तो उतना इफेक्ट नहीं रहता, लेकिन अगर लहसुन को हम मीट के या पीस के छाछ में डाल दें और 6 घंटे के आसपास छोड़ दें, तो लहसुन पूरा ऐसा उसका अलग ही लहसुन व छाछ हो जाता है। इसी तरह इसमें हरड़ डाल दें, आंवला डाल दें, तो बायो अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि छाछ में वो होमोजेनियस टाइप का हो जाता है और वो अंदर बहुत बढ़िया काम करता है। तो पिताजी को फिर वो थोड़ा विश्वास हुआ, तो वो एलोपैथिक कट्टर एलोपैथिक डॉक्टर टाइप के, तो लहसुन डाल के उनका जो उनको भी फायदा हो रहा है मतलब इस तरीके से, और हृदय रोग चिंतामणि वो लेना चालू कर दिए थे, तो मतलब थोड़ा विश्वास हो रहा है उनको भी कि आयुर्वेद डेफिनेटली, जब घर में इतनी जानलेवा बीमारी हो गई थी तो ठीक हो गई, तो माता पिता का फायदा हो रहा है मतलब अनजाना, ये तो वो नहीं लेते मतलब कभी भी, क्योंकि तो पूरी फैमिली अरविंद सर ऐसी है ना। से कंसल्ट करिए ना, अरविंद सर से। और अपने मन से थोड़ा कम, थोड़े दिन ठहरो जरा। जी मैम, जी मैम। हाँ।
और मैम अभी भी जैसे मैं ना रोज 150 के ML के आसपास नहीं ले ही रहा हूँ, लेकिन रुक्षता है मैम शरीर में, मतलब 150 ML ऐसा लग नहीं रहा कि शरीर के अंदर जा रहा है, मतलब करीब 70 ML के आसपास रोज, जैसे 2 किलो या 1 किलो 1.5 किलो दही में से 70 ML के आसपास वो निकलता है बटर, वो मैं रोज ले रहा हूँ। उसके अलावा थोड़ा बहुत घृत, जैसे करीब 50-60 ML कम से कम शरीर में जा रहा है, लेकिन रुक्षित है मैम, जैसे कि शरीर में मिलेट्स कहा होते जा हैं वो रहा। रूक्ष होते हैं सर, मिलेट्स जी जी सर, होते हैं वो रूक्ष ही होते हैं, जी उनकी सर, बजाय आपको जो और चीज प्रयोग करें उसके हिसाब से उनको प्रयोग करो, क्योंकि मिलेट से अपन को अपन के हिसाब से तो वो ये कि लेखन धान है सारा ही। जी। तो मैं सर क्या कर रहा हूँ, जो छिलके वाले मिलेट्स होते हैं ना, उनको मट्टी के एक बर्तन में गरम कर लिया, उसके साथ छिलके वाली मूंग डाल ली, कुछ सब्जियां डाल ली ऊपर से, जैसे सब्जियां तो देर से जल्दी पक जाती है, मिलेट्स देर से पकता, और फिर उसको उतार के उसमें घृत डाल दिया, जैसे 3-4 चम्मच घृत डाल दिया इस तरीके से, नहीं और आप वो साथ में रसीली देखो, सब्जी। आप गंधक का प्रयोग करके देखो, हो सकता है यदि पारद का ही असर होगा तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा उससे, क्योंकि अच्छा पारद के असर को गंधक खत्म कर जी देता है, ये उसकी खासियत जी है। गंधक रसायन सर मैंने 10 दिन ही लिया था, मैं उसको लेके देखता हूँ। नहीं उसको कंटिन्यू लो, उससे क्या है आपकी जो आप एलर्जी वगैरह बता रहे हो ना स्किन वगैरह की, वो सारी खत्म हो जाएगी उससे, क्योंकि उसको मांग ही रहा है इसका मतलब शरीर आपका, मतलब आपका शरीर मांग रहा है उस चीज को। जी सर, अभी भी वो जो जैसे बाल है ना पूरे जैसे सूखे हैं, इतना वो सब खाने के बाद गंधक लेके देखता हूँ सर। ठीक है और सर, वैसे लेकिन सर एक्सपेरिमेंट मत करिए, आपका जो बॉडी है ना जी बहुत ही सर इम्पोर्टेंट है, आप देश के लिए जी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, एक्सपेरिमेंट मत करिए। सर, एक्चुअली मैं क्या करता था ना कि जैसे कोई भस्म आती थी तो मैं उसको खा के देखता था, क्योंकि और वो उसकी गलत एफी है, क्या सर, वो जैसे किसी भस्म की जो सेफ्टी होती है ना, उसको तो हम जैसे चर्म में अगर हमने लगाया रब किया और वो भस्म चली गई, मतलब वहां से गायब हो गई, यानी वो भस्म बताते हैं कि वो अच्छी है, मतलब सेफ है, ऐसा लेकिन आपको उसकी लगता है वो ब्लड स्ट्रीम में जा रही है ना, वो आपके बॉडी को नुकसान कर रही है ना, वो भी तो एक जहर ही हो रहा है ना, कितने सारे भस्मों का एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए सर। फिर सर वही एफिकेसी किसी से पता नहीं चल तो पाती, अपनी बॉडी को जैसे क्यों आप ट्रायल करा रहे हैं, अपनी बॉडी को क्या एक्सपेरिमेंट करने का आप वो कर रहे हैं आप अच्छी सर। फार्मेसी की कोई चीज खरीदो ना इसके बजाय, तो बजाय अपने पर एक्सपेरिमेंट करने के, भाई अच्छी नहीं कंपनी की जो अच्छी चीज पसंद है, जो आपको जिसको आपको भरोसा है कि ये चीज अच्छी बना रहा है, नहीं उसकी चीज जो आप बजाय लेकिन उसको अपने जो ऊपर एक्सपेरिमेंट करने अपनी के। बॉडी पे क्यों एक्सपेरिमेंट करना है, कोई भी चीज है लौह भस्म में, अपनी बॉडी पे क्यों एक्सपेरिमेंट करूंगा। सर एक्चुअली मैं कहना सर, एक स्टॉक बना रहा था मैं कि अगर कोई भरोसा करके एकदम से ब्लड कैंसर का मरीज आए तो मतलब रेडी रहूं, जिससे उसको अगर प्रूविंग हो जाती है तो आपने उसकी। आपने रस वीर विपाक नहीं पढ़ा है, आपने आयुर्वेद नहीं पढ़ा है, आप उसको केमिकली दे रहे हैं और किताब पढ़ के और उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये गलत है सर। मैंने भी पढ़ाई किया है, डिग्री लिया है, लेकिन मैंने गुरु के पास जाके सीखा है चीजें, गुरु के अंडर में सब चीज देखा है, क्या डोज है क्या नहीं है, तो वो एक अलग बात है। फिर आप वो एक्सपेरिमेंट करें केमिकली, आपका बॉडी खराब हो जाएगा सर, अब बाकी आपकी मर्जी है, आपको वही सही लगता है तो आप करिए नहीं एक्सपेरिमेंट। सर, अब नहीं कर आप रहा ये सर। पैथी के नहीं है, ये पैथी के नहीं है, और मैं अगर एलोपैथी को नहीं जानता और मैं एक्सपेरिमेंट करूं अपनी बॉडी में, मैं डायूरेटिक खाऊं, मैं बीपी की दवाई खाऊं, मैं कुछ एंटी डायबिटिक दवाई खाऊं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाऊं, अपनी बॉडी को क्या वो है? मतलब लैब बनाना है क्या, वो गलत है सर। आप आयुर्वेद को नहीं जानते हैं, आपने भस्म बनाते हुए नहीं देखा है, आपको नहीं पता है कि वो कैसे बनता है, क्या पुट है क्या है उसका, बॉडी पे क्या इफेक्ट है, और केवल किताबी नॉलेज लेके आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फिर मैं कैंसर पेशेंट को दूंगा तो इससे आपका शरीर खराब हो जाएगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होंगे तो कौन फिर नया ऑर्गन कहाँ से आएगा। एक चिकित्सक के पास सर एक औरत काम करती थी, उसकी केवल दवाई कूटती थी वो, हाँ उसके कौन सी दवाई से क्या असर हुआ पता नहीं, वो बिल्कुल मेंटली पागल हो गई और उसकी ब्लीडिंग बहुत तेज चालू हो गई और फिर लास्ट में खून की उल्टी होकर वो एक्सपायर हो गई, क्योंकि हाँ वही तो। तो उसने कुछ खाया भी नहीं, केवल दवाइयां कूटती थी वो। तो अब वो कौन सी जब दवाई लिवर का क्या डैमेज असर हो हुआ रहा है दूसरे सर, जाने। नाक से इनहेल हो रहा है ना कैसे तो जा रहे है। हमें जा रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ ये तो अपने ऊपर असर कर रहे हैं, और उसने कुछ खाया भी नहीं, वो तो नाक से गई जो ही है जो शरीर में लग गई, तो हाँ सर, ये उसको लिवर असर होगा डैमेज तो के आप आपके सारे शरीर को कितना सिम्टम्स असर बता होगा रहे आप ये हैं सोचो, तो आप अपने ऊपर एक्सटेंड करो मत।
और आप गंधक लो, गंधक से आपके पारे का जो है मादा को आप उतारो और गंधक का प्रयोग करो, हो सकता है आपका सही हो जाएगी समस्या कहना ही। सर, जो भी मेडिसिन है अगर अच्छा इफेक्ट कर रही है तो वो निगेटिव इफेक्ट भी करती है, कोई भी चीज तो वो आप सांस भी ले रहे हैं, वो हवा के थ्रू भी जा रहे हैं, नाखून के थ्रू भी जा रहे हैं, तो वो जा रहे हैं, तो वो क्यों वैसा चीज करना है हमें। और सूक्ष्म औषधियां बहुत डेंजरस होती है सर। मेरे सर बताते हैं, एक जुएकर सर हैं, वो बताते हैं कि किसी ने हेमगर पुटली खा लिया था, किसी वैद्य ने दिया था, वो यहाँ रूबी हॉल में एलोपैथी के हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट था, उसके नाखून पूरे ब्लूइश हो गए थे, उसका पॉइजनिंग हुआ था हेमगर पुटली का, क्योंकि तो वो दवाई अच्छे से नहीं बनी थी और उसका डेथ हो गया। तो ऐसे मत करिए सर, आप ये पैथी के नहीं है। आप सोचेंगे कि मैं कैंसर पे रिसर्च करके वो कर दूंगा, लेकिन आपने वो डिग्री लेके सब सीखना चाहिए, तब आपको करना चाहिए। लोग ना 20-20 साल लगा देते हैं पूरा रस शास्त्र सीखने में, उसके बाद वो देते हैं, तब भी डर डर के देते हैं। यस आपने रस शास्त्र नहीं सीखा और उसका एक्सपेरिमेंट करें अपने खुद के बॉडी पे कि मैं पेशेंट को, ठीक है सर, सर, गलत। रसशास्त्र सालों लग जाते हैं सर। वो तो वही तो जो मतलब बताते हैं वो तो पैतृक हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपने देखा नहीं है ना, लर्निंग बनाते ड्रग हुए कब कुछ नहीं देखा है। अब किताब लर्निंग का ही सर दो देखा है चीज सर, पढ़ के, गूगल गायब है करके वो पढ़ के, और फिर दे रहे हैं वो, क्या ये सर। तो। भारत के शोधन देखे सर, जो किस तरह से बंधन करते हैं, पहले वो मारण करते हैं उसके साथ, अगर पहले पारस भी तो देखा है, मर। लेकिन आपने दूसरे भस्म का तो नहीं देखा है ना, जब उसके जी साथ सर, जी कॉम्बिनेशन होके आ रहे, वो कैसे है, वो प्योर है लंबी कि प्रोसेसेस अनप्योर है। रहती फिर है। अच्छी लंबी प्रोसेसेस रहती है, आपने एक 5 साल। भल्लाटक का भी यूज किया बहुत ज्यादा, उष्ण विरियात्मक, उसका भी साइड इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा, पोटलीकल का भी साइड इफेक्ट होता है। मत करिए सर, आपका जिंदगी खराब हो जाएगा। जी सर, सर एक बात बोलूं? हाँ बोलिए हाँ सर। सर, बिल्कुल सर। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए सर को? मेरे हिसाब से जो चीज में पढ़ाई किए हैं, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में किए हैं MD, वो काम ही करना चाहिए। नहीं, अब आपके मतलब हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट कैसे जो चलेगी? डेथ्स हो रही है सामने, उनको होने दो। क्या है ना, अगर सुखोई जहाज का पायलट है, वो अगर कोई हेलीकॉप्टर उड़ाएगा तो वो गड़बड़ करेगा ना। जिस चीज में जो चीज का ज्ञान मिला है, ट्रेनिंग मिले, वो वही काम को अच्छा करना चाहिए। एक बार लोकमान्य तिलक के बेटे ने कहा कि मैं ना चमार का काम करना चाहता हूँ, चमड़ा सिलने का काम करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा जो काम करोगे वो परफेक्ट करो, अच्छा करो, आप कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तो आप जिस चीज में ट्रेंड है सर, वही अच्छा करिए ना सर, वही पुण्य का काम है। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। अगर आप सर हमारा बात सुन लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं अगर सर, नहीं आपको सर, बुरा लगा तो हम क्या कर बिल्कुल नहीं सकते। सर, बिल्कुल, आप तो अच्छा ही एडवाइस। अभी आपको साइड इफेक्ट दिख रहा है सब आयुर्वेदिक मेडिसिन का, इसलिए वो बुरा लग रहा है, आपका शरीर में बहुत साइड इफेक्ट हुआ है। ठीक है, थैंक यू जी सर, सर, थैंक यू सर, मैं सेशन बंद करता हूँ, अब हम सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम।